हाय फ्रेंड्स, ट्रूव्यू में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम कि जो बैटरी कैमरा है उसे विदाउट इंटरनेट मोबाइल पे कैसे एक्सेस करना है और उसका प्लेबैक कैसे देखना है, या जो अदर फीचर्स है वो कैसे चेक करने हैं। तो सबसे पहले इसको पावर ऑन करना पड़ेगा आपको। पावर ऑन करने के लिए राइट साइड में जो है कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ये ओपन करना है। यहाँ पे ये पावर ऑन के लिए बटन है, ये रिसेट के लिए भी है, और ये जो है ये एसडी कार्ड के लिए और ये चार्जिंग के लिए। ओके, तो आपको सबसे पहले पावर ऑन करने के लिए इसे 5 सेकंड प्रेस करके रखना है, पावर ऑन हो जाएगा। पावर ऑन होने के बाद में यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये कंटिन्यूस ब्लिंक होना चाहिए। अगर ये इंडिकेशन ब्लिंक नहीं हो रहा है तो आपको कैमरा रिसेट कर लेना है। तो रिसेट करने के लिए जैसे बताया मैंने, इसको 15 सेकंड प्रेस कीजिए, रिसेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और ट्रू क्लाउड ऐप इंस्टॉल करना है। आपको ट्रू क्लाउड ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। अब ये कैमरा कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अकाउंट लॉगिन ही करना है। आप अगर लोकल से कर रहे हो तो लोकल से अगर करोगे तो आपको ये कॉन्फ़िगर नहीं होगा, तो इसको अकाउंट लॉगिन ही करना पड़ेगा। अब या तो अगर आपने यूज़र क्रिएट किया हुआ है तो लॉगिन कीजिए, अगर आपने यूज़र नहीं क्रिएट किया, आप नया यूज़र हैं तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, आप ईमेल से भी करते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर से करना है तो यहाँ पे आपको +91 देन आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे टिक मार्क करना है एग्री पे और कंफर्म करना है। उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP एंटर करना है और पासवर्ड सेट करना है आपको। फिर उसके बाद सेम पासवर्ड यूज़र नेम से लॉग इन करना है। ये हो गया लॉगिन। उसके बाद में आपको प्लस पे क्लिक करना है, अदर वे टू ऐड। यहाँ बैटरी कैमरा ऑप्शन दिया गया, आपको इसमें जाना है। यहाँ पूछेगा रिसेट द डिवाइस, अगर आपका कैमरा का लाइट ब्लिंक नहीं है तो आपको रिसेट करना है। तो लाइट अभी ब्लिंक हो रहा है हमारा, तो डिवाइस लाइट इज ब्लिंकिंग। उसके बाद यहाँ रिमोट व्यू, डायरेक्ट व्यू है। रिमोट व्यू आपको जो है किसी इंटरनेट राउटर से अटैच करना है तो रिमोट यू करना है, अदरवाइज डायरेक्ट कनेक्शन। अगर डायरेक्ट कनेक्शन बताते हैं, यहाँ पे पूछेगा सेट द डिवाइस वाईफाई पासवर्ड, तो आपको वाईफाई को नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ बैटरी कैमरा देता हूँ। और उसको पासवर्ड देना है, कोई सिंपल सा पासवर्ड दे दीजिए। नेक्स्ट, अभी बताएगा कि आपको जो QR कोड है वो स्कैन करना है कैमरे में। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अभी ये स्कैन करना है। आपको ध्यान रखना है कि QR कोड स्कैन करते समय आपका कैमरा और मोबाइल ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए। कैमरा में से वॉइस आएगा कि स्कैन QR कोड सक्सेस। उसके बाद में हेयर द प्रॉम्प्ट वॉइस, इस पर क्लिक करना है। अब आपको गो टू सेटिंग करना है। जो वाईफाई हमने क्रिएट किया था IPC बैटरी कैमरा, उससे आपको आपका मोबाइल कनेक्ट करना है। इसका पासवर्ड हमने सेट किया था admin123, तो आपको वही पासवर्ड देना है। कनेक्ट कनेक्ट हो गया, आपको वापस बैक जाना है। अब यहाँ पे देखिए एडेड सक्सेसफुली आ गया। आपको एड यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, ऑफिस है, होम है, जो भी देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना, आप देख सकते हो कैमरा आपका लाइव आ गया। ये देखिए कैमरा लाइव है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी बताएगा कितना परसेंट है। उसके बाद में आपको प्लेबैक देखना है तो प्लेबैक पे क्लिक कीजिए। अभी इसमें SD कार्ड नहीं लगा तो प्लेबैक नहीं शो होगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ये टू वे कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है तो आप साउंड पे क्लिक करके कैमरा में का वॉइस भी सुन सकते हो, और अगर आपको यहाँ से बात करना है तो कॉल पे क्लिक करके आप कैमरा में भी यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। बताता हूँ मैं सेटिंग्स में क्या क्या है। सेटिंग्स में डिवाइस ID है, डिवाइस टाइप है, डिवाइस वर्जन है, और इलेक्ट्रिसिटी बताएगा कितना परसेंट है। अब इसमें जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक मोशन रिकॉर्ड, एक कंटिन्यूस रिकॉर्ड। तो अगर आपको इसको कंटिन्यूस रिकॉर्ड पे रखना है तो यहाँ पे पावर मैनेजमेंट में आपको कांस्टेंट पावर मोड कर देना है, तो ये कंटिन्यूस रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। अगर आप पावर सेविंग मोड रखते हो तो आपका बैटरी बैकअप तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो मोशन बेस ही होगा। उसके बाद डिवाइस स्टोरेज, अगर आपका SD कार्ड लगा हुआ है तो यहाँ देख सकते हो
टीएफ कार्ड स्टेटस नो टीएफ कार्ड है क्योंकि इसमें कोई एसडी कार्ड नहीं लगा। ओके थैंक यू।